Hello everyone, welcome back to the class. Our today's topic is going to be perimeter and area. Under this, we are going to study about the perimeter and area of figures such as square, rectangle, triangle, parallelogram and a circle. So let's begin with today's topic. Ace your school exams with An Academy. This is about the An Academy Plus and Iconic subscription on which you can get flat 10% off if you use the code SPGSS10. So, instant discount के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो. For more information, visit the An Academy Learning app. वहाँ पे आपको सारी information मिल जाएगी about what are the prices, how you can buy and how you can purchase the subscription and use the invite code SPGSS10 to log in. Welcome to my class everyone. I'm Gurleen Singh, your maths educator with 2+ years of teaching experience through online and offline modes. Also qualified for assistant professor through the UGC NET exam. Okay, moving forward. Let's start with the topic. The first topic that we have to cover is perimeter. So, perimeter kya hota hai? The length of the path or boundary that surrounds a two-dimensional shape is known as its perimeter. So, basically, jo bhi length of the boundary hote, jaise slide pe, maybe you people can see this is a rectangle, jiske andar maine wordings likhi hai, theek hai? So, now if I have to find out ki ye jo rectangular ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी लेंथ कितनी है फॉर दैट आई हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर दैट इज इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री द वर्ड पेरीमीटर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी मीनिंग अराउंड एंड मेट्रन विच मीन्स मेजर दैट इज टू गो अराउंड एंड मेजर द बाउंड्री ऑफ अ थिंग तो इसके अंदर जो भी स्पेस कवर्ड है ठीक है इस बॉक्स ने जो स्लाइड पे स्पेस कवर किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है ये जो बस रेड लाइन है मुझे ये टोटल फाइंड आउट करना है कि ये जो रेड लाइन है इसकी लेंथ कितनी है दैट इज गोइंग टू बी माई पेरीमीटर सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट दीज आर क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स उसे हम कहते हैं पॉलीगन बट जैसे ही हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं द डिफरेंस इज दैट इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं सो रेगुलर पॉलीगन्स आर इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ स्क्वायर स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू 90 degrees देन दिस इज अ ट्राइंगल बट नॉट एनी ट्राइंगल दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि इसके अंदर क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं राइट एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 degrees राइट देन दिस इज अ फाइव साइडेड फिगर विच इज नोन एज अ पेंटागन एंड दिस इज अ रेगुलर पेंटागन एंड दिस वन इज एन हेक्सागन तो इस तरह से बहुत सारे फिगर्स हैं ऑक्टागन सेप्टागन नैनोगन डेकागन मतलब रिस्पेक्टिवली विद 7, 8, 9 and 10 साइड्स तो वो रेगुलर कब बनेंगे जब उनके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ ऑफ वन साइड लेंथ ऑफ वन साइड इनटू द नंबर ऑफ साइड्स ठीक है जो अभी हम देखेंगे कि मेरे को स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला यूज होगा जब मैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी चलो पेंटागन की बात करते हैं पेंटागन की अगर एक साइड की जो लेंथ है लेट्स से इट इज 5 centimeters सो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री तो साइड्स कितनी है 5 sides है लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 centimeters एंड नंबर ऑफ साइड्स इज 5 तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा इट विल बिकम 5 × 5 विच इज 25 centimeters तो आप ऐड कर सकते हो दिस इज 5, 5, 5 and 5 व्हेन यू ऐड दिस यू विल गेट द आंसर एज 25 ठीक है अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ आई टॉक अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आई से दैट वन साइड इज इक्वल टू लेट्स से 3.5 centimeters तो मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला रहेगा लेंथ ऑफ वन साइड इज 3.5 बाकी दोनों की भी 3.5 है एंड नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3 है तो 3.5 × 3 करूंगी माय आंसर इज गोइंग टू बी 10.5 centimeters सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ओके मूविंग फॉरवर्ड देन वी हैव पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स इरेगुलर क्या होते हैं ऑब्वियसली क्लोज फिगर्स हैं मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इरेगुलर है इसका मतलब सारी साइड्स एंड जो एंगल्स हैं उनका मेजर सेम नहीं है ठीक है तो जैसे यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है या फिर ये क्रॉस दिख रहा है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इन सारी साइड्स का मेजर कितना है तभी मैं इसको टोटल कर पाऊंगी सो इसके लिए वी डोंट हैव अ फॉर्मूला बट इट इज द टोटल ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ठीक है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही करना पड़ेगा मुझे इन सारी साइड्स का सम करना पड़ेगा राइट सो दीज आर
irregular polygons. Right, so in the question, अगर आपको exam में ऐसा question आता है, you will be given the length, जैसे ये given है 5, this is 5, let's say this is 3, this is 11, this is 12, and this is 3. तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ, let's find out the perimeter of this bound, of this figure. तो आप कैसे करोगे, 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 12 plus 11. So when you will add all these sides, you'll get the answer. This is 10, 13, 16, okay, 16 plus 12 plus 11 is going to give you 39. So total kitna aega? 39 centimeter or units, whatever is given. Okay, now let's move on to our first major figure, that is perimeter of a square. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट लेंथ ऑफ द बाउंड्री. एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रेगुलर जब हम पॉलीगन्स की बात करते हैं उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ वन साइड इनटू नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स तो इसमें 4 है इनटू लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है, सो इन दिस केस इफ आई से दैट दिस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर है. तो टोटल अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 5.6 को 4 टाइम्स ऐड कर लो या फिर 4 इंटू 5.6 कर लेते हैं. व्हाई? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. सो 5.6 इंटू 4 इज गोइंग टू गिव यू 22.4 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर. सो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ईजिएस्ट वन. सेकेंड हम एक बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की. अब रेक्टेंगल एक पॉलीगन है बट इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज सारी साइड्स इक्वल नहीं है. वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, सो पेरीमीटर होता क्या है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी एंड दिस ऑपोजिट इज 15 सेंटीमीटर. अब बाउंड्री क्या होता है, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. ठीक है, सो ये होगा एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी. ठीक है, दो बार लेंथ को ऐड किया, दो बार ब्रेथ को, दिस बिकम्स 2l प्लस 2b. नाउ इन दिस केस टेक 2 कॉमन एंड अंदर क्या बचता है, l प्लस b. सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो यही फॉर्मूला यूज करके लेट्स फाइंड आउट लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर. इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट, 15 प्लस 8 इज गोइंग टू गिव यू 23 एंड 23 दिस इज 2 इंटू 23 व्हिच इज इक्वल टू 46. कूल, सो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है, 46 सेंटीमीटर. एंड यू कैन इवन चेक इफ यू डू 15 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 8. Okay, so this is a formula that you have to remember to find out the perimeter of a rectangle. Then we have perimeter of a parallelogram. A parallelogram kya hota hai? It's again a polygon. Theek hai, but isme kya hota hai? Opposite sides are parallel. Opposite sides kya hoti hai? Parallel to each other hoti hai and equal hoti hai. Theek hai, toh obviously sari sirf opposite sides. Theek hai, opposite sides ki baat kar rahe hai hum. So these are equal to each other and parallel to each other. So in this case, we don't have a particular formula. But yes, आप इसमें basically आप rectangle का formula use कर सकते हो. So इसमें ये इसकी breadth नहीं होगी. Let this be side one and this be side two. ठीक है, तो boundary find out करनी है तो ये पूरा और ये पूरा जो side है इसकी length find out करेंगे. Right? So this will again be side one plus side two plus side one plus side two. So this is 2 into side 1 plus 2 into side 2 क्योंकि twice आ रहे हैं. Again मैंने 2 common ले लिया तो side 1 plus side 2. So don't take this as a side. ठीक है, ये 90 degree का angle form करिए, यही होगी इसकी side. ठीक है, so let this be again, okay, if this is 8 centimeter and let's say this is 18 centimeter. So if you put it in the formula 2 into 18 plus 8. ठीक है, दिस बिकम्स 2 इंटू 26 विच इज इक्वल टू 42, राइट, ओके, सॉरी दिस इज 52 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर टू एवरीवन. तो इसके अंदर भी सेम करना है और यू कैन ईदर टेक द सम ऑफ ऑल द साइड्स. मूविंग फॉरवर्ड, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, देन इफ यू हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं.
राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज से 11 सेंटीमीटर. सो आप क्या करोगे, 3 × 11 विच इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. ठीक है. अदर देन दैट अगर मेरे पास कोई और ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलस ट्राइंगल है या स्केलिन ट्राइंगल है जिसकी साइड इक्वल नहीं होती, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ही करेंगे. ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज 19 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. तो अब इसका मुझे पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 + 19 + 6, राइट. एंड योर टोटल इज गोइंग टू गिव यू 46 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ओनली वेन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सो दैट्स अबाउट इट अबाउट द पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स. अभी आगे चल के वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज. एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी एरिया. तो एरिया क्या होता है, द टू डायमेंशनल स्पेस टेकन अप बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया. टू डायमेंशनल स्पेस मतलब अभी हम फ्लैट फिगर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पेपर पे वो कितनी स्पेस ले रहे हैं उसको हम कहते हैं उसका एरिया. तो SI यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर, इस तरह से लिखते हैं मीटर स्क्वायर. एंड बाकी जितने भी यूनिट्स ऑफ एरिया हैं या मेजरमेंट है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से वी फाइंड आउट दी एरिया. एरिया फॉर पॉलीगन्स इज फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द शेप बाय इट्स विड्थ. सो बेसिकली कहीं पे बेस इंटू हाइट हो जाएगा, कहीं पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट दिस इट्स द सेम फॉर्मूला, दैट इज लेंथ ऑफ द शेप इंटू इट्स ब्रेथ. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने ये छोटा सा लेट्स से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो इस शीट पर ये कितनी स्पेस ले रहा है, इसके अंदर ये कितनी स्पेस है, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे एरिया निकालना पड़ता है. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ती, ठीक है, कि ये कितनी इसकी जो ऐसे वायर से अगर मैंने ये बनाया है उस वायर की लेंथ कितनी है, दैट इज माय पेरीमीटर. राइट, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर, जैसे कि अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था, यूजली लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है एरिया ऑफ एनी फिगर जिसका मुझे भी फॉर्मूला निकालना होता है. सो इस केस में क्या है, जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है. ठीक है, दे आर सेम बोथ, सब ये सारे इसको हम साइड कह सकते हैं. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर. ठीक है, साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर. लेट्स से द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 15 सेंटीमीटर. तो सारी साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर ही होंगी, राइट. सो एरिया क्या हुआ, 15 × 15, दैट इज 15 का स्क्वायर विच इज 225. अब क्या मैंने क्या बताया था, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज 15 सेंटीमीटर और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर से 15 सेंटीमीटर से. सो नाउ इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, वी ऑल्सो नीड टू मल्टीप्लाई द यूनिट्स. So that is why this becomes 225 centimeter का square, because centimeter into centimeter भी हो रहा है. ठीक है, तो question में अगर centimeter given है तो answer centimeter में आएगा, if it's meter your answer will be in meter and so on. Okay, then we have our next figures are area of a rectangle and a parallelogram. Okay, rectangle and parallelogram की अगर बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, length into breadth होता है. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला सीधा एल इन टू बी होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर लेंथ है 11 सेंटीमीटर एंड लेट्स से योर ब्रेथ इज 5.5 सेंटीमीटर, राइट. सो लेंथ है 11 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी होगा, डोंट फॉरगेट टू पुट द करेक्ट यूनिट. ठीक है, सो 11 × 5.5 इज गोइंग टू गिव यू 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ दिस होल फिगर. तो इसका फॉर्मूला आपको क्या याद करना है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. नेक्स्ट कम्स एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पर इसमें ये जो ब्रेथ थी ऑलरेडी थी 90 डिग्री. ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी इसकी हाइट भी थी, बट यहाँ पे दिस लाइन, दिस साइड इज नॉट द हाइट, दिस इज नॉट द विड्थ. ये मुझे ये नहीं बता रहा कि ये कितना, यू नो, कितना इसकी हाइट कितनी है, कितना चौड़ा है ये, इस तरह से फिगर. दैट इज गोइंग टू बी, दैट विल बी टोल्ड बाय अ लाइन विच इज एट 90 डिग्री.
इस तरह से 90 डिग्री की जो लाइन है उस पे मुझे ये पता लगेगा. सो दिस लेंथ, सो इसको हम लिख लेते हैं बेस टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. दिस साइड इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. सो योर फॉर्मूला बिकम्स बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो बेस कितना है, दिस होल, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस होल लेंथ, दिस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट, दिस 90 डिग्री लाइन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो क्या होगा, फॉर्मूला विल बी 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस होल पैरेललोग्राम. ठीक है, सो डोंट कंसिडर दिस हाइट इवन इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन टू कन्फ्यूज यू. हमेशा इस चीज को हाइट लेना है. ठीक है, द 90 डिग्री लाइन पासिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर. ओके, एंड नेक्स्ट फिगर इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया, यू विल सी दैट अ ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम बेसिकली. ठीक है, इसको अगर मैं कंप्लीट करती हूँ तो ये ना इस तरह से एक पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है, लाइक दिस. सो एवरी ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट कैन बी मेड. ठीक है, सो अगर पैरेललोग्राम का जो एरिया है दैट इज बेस इनटू हाइट और ट्रायंगल उसका हाफ है, सो दिस बिकम्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो दिस इज द एरिया ऑफ अ पैरेलो ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, चलो लेट्स राइट इट डाउन. दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब हाइट क्या, इट इज बेसिकली द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. ऑल्टीट्यूड ही हाइट होती है ट्रायंगल की. एंड वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे 90 डिग्री की लाइन आती है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल. तो कोई भी स्केलिन ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, ठीक है, जो कि एक्यूट है. इन केस ऑफ एक्यूट ट्रायंगल जिसकी सारी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये आपकी हाइट होगी एंड दिस विल बी योर बेस. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ राइट ट्रायंगल की, 90 डिग्री होता है जिसका एक एंगल, तो इसके अंदर ये तो मेरा बेस हो गया दिस मच एंड ये जो मेरा प्रपेंडिकुलर है this is going to be my height. okay, talking about an obtuse triangle, obtuse triangle one angle is more than 90 degree. for example over here, is case mein kya hota hai, jo mera altitude hai, jo height hai, that lies outside the triangle. to yahan pe opposite vertex se jo base pe 90 degree ki line aayegi na, ye base ko maine extend kar diya, ye jo 90 degree ki line aa rahi hai na, this is going to be the height of the triangle aur itna rahega base. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ दैट दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इतना एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल लेट्स से इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस विल बी हाफ, ठीक है, इनटू बेस. सो लेट्स मेक इट 6, दैट इज 6 इनटू 13, 2 3 6, दिस इज 39 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. सो ओनली इन एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल द ऑल्टीट्यूड और द हाइट लाइज आउटसाइड द triangle. चलो, so this was area of your major figures. Let's solve some questions based on these. Okay, find the area of a parallelogram if the area of triangle ABE is 9 centimeter square. Okay, ठीक है, so in this case this the shaded part, इसका जो area है it is given to me as 9 centimeter square. ठीक है, I know that area of a triangle is equal to half into base into height. So always write the formula first and see what is given to you. ठीक है, बेस कितना है, बेस इज 3 सेंटीमीटर. ये जो मेरी हाइट है, I don't know this height, कि ये हाइट कितनी है, so I'll just write h and I know that area is 9. So now I can easily find out the height. ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 3h is equal to 18. तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इट इज 6 सेंटीमीटर. मुझे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना होता है, बेस इनटू हाइट. अब बेस कितना है, दिस इज 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर व्हिच इज 7 सेंटीमीटर. एंड हाइट कितनी होगी, यही है जो ऑपोजिट साइड से प्रिपेंडिकुलर लाइन आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी माई हाइट. सो 6 7 का कितना होता है, 42. दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द होल पैरेललोग्राम. राइट, तो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल से मैंने हाइट फाइंड आउट की, फिर इस हाइट को फाइंड आउट करके आई पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
which figure has a larger boundary, a square of side 3 cm, so एक square है जिसकी side कितनी है 3 cm, a rectangle, ठीक है, एक rectangle है with length 3 cm and breadth 2 cm, okay, and an equilateral triangle of side 4 cm, ठीक है, तो उन्होंने पूछा है which has a larger boundary, तो basically मुझे तीनों figures का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड विच इज 4 इंटू 3 एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी, एल इज 3 एंड बी इज 2, सो दिस इज 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो डेफिनेटली नॉट द रेक्टेंगल. And next figure is the triangle. चलो इसका चेक करते हैं. Perimeter of a triangle and this was an equilateral triangle. So 3 into side आएगा. This is 3 into 4 which is equal to 12 centimeter. So larger boundary किसकी? It is shared by square and triangle. ठीक है, square and triangle दोनों का ही जो perimeter है that is 12 centimeter. So दोनों की same boundary है and they are more than the perimeter of the rectangle. Okay, let's move forward. Area of a parallelogram. So, area of the parallelogram BCEF is that centimeter square where ACDF is a rectangle. ठीक है. So, this ACDF मुझे rectangle दिख रहा है because this is all the angles are 90 degree, right? And it is given to me, it's a rectangle. And ये जो इसके बीच में parallelogram है, which is BCEF, इसका मुझे find out करना है area, right? So for that, area of a parallelogram का formula क्या होता है? Area of parallelogram is equal to base into height, right? So मुझे base चाहिए और height चाहिए. Now if this is 3 cm and this is a parallelogram, ये 3 cm है, तो इधर ये जो ED की value है, ये भी 3 cm होगी. And if whole of FD is 10 cm, then this is 10 minus 3 which is equal to 7 cm. तो बेस तो मुझे मिल गया, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 7 सेंटीमीटर. एंड ये जो हाइट है, हाइट क्या होता है? एक साइड से ऑपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री की लाइन है, दैट इज द हाइट. सो दिस विल बी सेम एज 5 सेंटीमीटर बिकॉज CD एंड दिस लाइन दे आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो हाइट कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना हो गया? बेस इंटू हाइट विच इज 7 इंटू 5 and that is 35 centimeter square. So the area of the shaded portion, that is area of the whole parallelogram, is 35 centimeter square. Chalo, that was an easy question. Let's move forward and see the next one. Okay, in the following figure, find the area of the shaded portion. Abhi jo shaded portion hai, mujhe iska area find out karna padega. For that reason, what I am going to do, I am going to find out sabse pehle area of rectangle. कौन सा रेक्टेंगल है मेरे पास? ए बी सी डी. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगी. उसमें से आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज व्हाट? दिस इज ए एफ ई वाला ट्रायंगल. ये ए एफ ई, दिस ट्रायंगल, इसका एरिया माइनस करेंगे. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी. ठीक है, ये जो अदर द अदर ट्रायंगल, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना हुआ? एरिया इज लेंथ इन टू ब्रेथ, राइट? सो लेंथ कितनी है? 10 प्लस 8, दैट इज 18, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10. तो ये हुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए एफ ई ट्राइंगल. ठीक है, इसका एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो लेट्स कंसिडर दिस एज बेस. बेस है 6, हाइट है 10, सो दिस बिकम्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड द अदर पार्ट, द अदर ट्राइंगल ई बी सी, इसका भी कितना होगा? हाफ. एंड बेस, लेट्स से दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, राइट? सो 2 × 4 = 8 एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ आई हैव टू डू 180 माइनस 40 एंड इसमें से माइनस 30, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 and my answer is going to be 110 centimeter square. The area of the shaded portion is 110 centimeter square, which is the C option.
सो आई होप यू गॉट इट. सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया रेक्टेंगल का, उसमें से दोनों एरिया ऑफ द जो दोनों ट्राइंगल्स थे उनके एरिया को माइनस किया एंड आई गॉट द आंसर एज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. राइट, चलो आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेट्स से इट्स अ पार्क, ठीक है, इसका जो एरिया है दैट इज गिवन टू मी एज 250 meters square, ठीक है, एंड मेरे पास ब्रेथ गिवन है विच इज इक्वल टू 10 centimeters, तो मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो इन दिस केस व्हाट आई डू, आई विल पुट इट इन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ मेरे को नहीं पता, ब्रेथ इज गिवन टू मी एज 10 centimeters एंड द एरिया इज 250, ठीक है, तो लेंथ कितना हुआ, दिस इज 250 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो माई लेंथ इज इक्वल टू 25 meters, राइट, सॉरी दिस इज नॉट सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 meters ओनली, ठीक है, तो आंसर भी किस में आएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 25 meters, विच इज द सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसे ए बी सी डी, राइट, लाइक दिस, ओके, ए बी इज 7.2 centimeters एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, ठीक है, इज ये जो सी से लेके ए बी पे परपेंडिकुलर है इट इज हाउ मच, 3 centimeters, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये मेरी हाइट है. फाइंड आउट द एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाउ मच, इट इज बेस इन टू हाइट, राइट, सो इफ दिस इज 7.2 तो ये नीचे भी 7.2 होगा, सो यू कैन टेक एनी ऑफ द साइड्स एज बेस, सो बेस इज 7.2 एंड हाइट इज इक्वल टू 3 centimeters, सो दिस इज 3 2 6, 7 3 21, तो 21.6 centimeters square is the area of the parallelogram and it is the A option. So I hope aap sabke answers bhi bilkul theek aa rahe hain, theek hai. Another typical question and also NCERT question is DL and BM are the heights on side AB and AD respectively of a parallelogram ABCD, right? If the area of the parallelogram is 1470 centimeters square, AB ki length kitni hai? This AB is 35 centimeters, right? And AD is 49 centimeters. Okay. Find BM and DL. ठीक है, BM और DL की height मुझे क्या find out करनी है? I have to find out the height in this question. तो ये इतना है. Okay. So now, let's apply the formula. Area of parallelogram is equal to base into height. ठीक है, तो अगर मैं base, इस केस में मेरा कितना है, AB is the base. सो माई हाइट इज गोइंग टू बी DL, ओके, ये DL मेरी हाइट होगी ऑन बेस AB. एंड एरिया मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1470. सो लेट्स पुट द वैल्यूज, दिस इज 35 इंटू DL इज इक्वल टू 1470, तो DL की वैल्यू कितनी होगी गाइज, दिस इज 1470 डिवाइडेड बाई 35, राइट, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 42 centimeters, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट DL की लेंथ मुझे मिल गई है, दैट इज 42 centimeters, ठीक है. नाउ अब ये जो एरिया है, ये पैरेललोग्राम तो सेम है तो इसका एरिया भी सेम रहेगा, बस मेरा बेस और हाइट बदल जाएगा. सो इन दिस केस माय बेस इज AD एंड माय हाइट इज BM एंड एरिया इज 1470, ठीक है, तो BM का जो लेंथ है वो कितना होगा, 1470 डिवाइडेड बाय AD विच इज 49, राइट, सो 1470 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 49 इज गोइंग टू गिव मी 30 centimeters, ठीक है, तो ये जो मेरा दूसरी हाइट थी, ठीक है, ऑन बेस AD इज गोइंग टू बी 30 centimeters. सो आई होप यू गॉट इट. इसके अंदर मुझे एरिया ऑलरेडी गिवन था, बेस गिवन था, तो मैंने हाइट फाइंड आउट कर ली. अब इन द अदर केस मेरा बेस चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई, बट पैरेललोग्राम सेम है, तो ये जो एरिया है वो फिर भी सेम ही रह रहा है. सो आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द सेकेंड हाइट. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, एक इस तरह से रेक्टेंगुलर रूम है मेरे पास, ठीक है, इसका कितना है, 500 meters square, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इट इज इक्वल टू 500 meters square. अब ब्रेथ कितनी है, इट इज 25 meters, सो मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ, राइट, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 500, ठीक है, एंड सो लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी 500 डिवाइडेड बाय ब्रेथ विच इज इक्वल टू 500 अपॉन
25 which is equal to 20 meter. तो length कितनी हो गई 20 meter. Okay. Right. अब this type of question, एक garden है मेरे पास, ठीक है. This garden is 90 meter long and 75 meter broad. Right. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. ठीक है, इस तरह से एक path मुझे बनाना है इसके outside पे, ठीक है, जिसकी जो width है that is equal to 5 meter on all sides. ठीक है, this is 5 meter. Just a second. यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, राइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो ये पूरा अगर 90 है, ठीक है, तो इसका अब सबसे पहले जो फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा दैट इज एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है. सो लार्जर रेक्टेंगल की पहले मुझे डायमेंशंस चाहिए ताकि मैं लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकूं, ठीक है. तो अब इसकी टोटल ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 90 मीटर तो है ही, और उसके दोनों साइड मुझे 5 मीटर भी ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज 90 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है. तो लार्जर जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 100, तो ब्रेथ कितनी है. अब ब्रेथ के लिए ये 75 तो है, लेकिन इसके दोनों साइड मुझे 5 + 5 दैट इज 10 ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज 75 + 10 विच इज इक्वल टू 85 मीटर. सो एरिया कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 85 विच इज इक्वल टू 8500 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो उसका एल इंटू बी कितना होगा. लेंथ इज गिवन टू मी एज 90 and breadth is given to me at 75. तो आंसर कितना होगा 6750 मीटर स्क्वायर. एंड अब ये जो पाथ है, अगर इस बड़े रेक्टेंगल में से मैं छोटा रेक्टेंगल को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास इस पाथ का एरिया बच जाएगा, राइट. ये जो बाहर मैंने पाथ बनाया फॉर वॉकिंग, राइट. सो इन दैट केस नाउ आई एम गोइंग टू डू 8500 माइनस 6750. सो यू आर गोइंग टू गेट 1750 मीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ द होल पाथ. राइट, आई होप यू गॉट इट. अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जस्ट अ सेकेंड, राइट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल्स, ठीक है. सर्कल्स के बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज द स्पेस कवर्ड बाय दिस सर्कुलर फिगर. तो जो कि हमारे सर्कल की जो बाउंड्री होती है या पेरीमीटर होता है उसको यूजली हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. इट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है. सो ये जो पूरा सर्कल है इसका ये जो टोटल बाउंड्री है वो कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूजली हम पुराने ज़माने में अगर मुझे मेजर करना हो एक सर्कल का लेंथ, तो आई कैन टेक अ थ्रेड, ठीक है, सर्कल के अराउंड पुट करती हूँ उस थ्रेड को, ठीक है, देन आई पिक इट अप एंड आई मेजर इट विद अ स्केल कि ये सर्कल का जो बाउंड्री है लेट्स से इट इज 10 सेंटीमीटर और इट इज 20 सेंटीमीटर. बट एवरी टाइम व्हेन आई सी अ सर्कल आई कांट यूज दिस मेथड. तो उसके लिए हमने फाइंड आउट किया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कि अगर मुझे इसका रेडियस पता है, मुझे इतना पता है कि ये जो सर्कल है कितने रेडियस में बनाया है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है. सो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr, वेर पाई की वैल्यू इट इज 22/7 और 3.14, ठीक है. दिस इज, यू कैन टेक एनी वैल्यू टू ईज आउट योर कैलकुलेशन, वो आप पे डिपेंड करता है. यूजली फ्रैक्शन फॉर्म में ली जाती है एंड रेडियस विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, राइट.
चलो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेडियस है, लेट्स से रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो अब मेरे को बताओ कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा. इट विल बी 2 × 22/7 × 7, ठीक है. तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 × 22 इज 44 सेंटीमीटर. सो 44 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If diameter of the circle is 42 centimeter, find the circumference. ठीक है, अगर एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है. Now if this is the radius, तो diameter कितना होता है? अगर मैं इसको extend कर दूं, तो ये total मेरा diameter हो जाता है, right? So any straight line passing through the center of the circle and touching the opposite boundary, ठीक है. इस तरह से ये सारा मेरा diameter है. So basically diameter कितना होता है? 2 × r और 2 r. एंड मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेडियस कितना होता है? डायमीटर अपॉन 2, मतलब डायमीटर का हाफ. ओके, तो अगर इसको मुझे फॉर्मूला में पुट करना है 2πr, तो आई नो दैट 2r इज इक्वल टू d, तो मैं इसको पाई डी भी लिख सकती हूँ. दिस इज ऑल्सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ओनली, सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी. सो लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला. सर्कमफेरेंस दिस इज 22/7 एंड डायमीटर कितना है सर्कल का? 42. सो 7 × 6 = 42 होता है. And this is 6 × 2 = 12, right? So this is going to give me 132 cm², that is the area of, that is the length of the boundary or the circumference of the circle. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे diameter by 2 करना है. So 42 upon 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 21 cm, and this is your radius. तो अगर मुझे original formula में put करना है, 2 × 22/7 into radius, which is 21, and 21 into 2 is going to give me the same thing, that is 42 only. ठीक है, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6 into 22, it's again 132 cm². Okay, already done this question. Find the perimeter of the semicircle if radius is 14 cm. So radius जो given है मेरे को इस point पे, it is 14 cm. तो ये भी कितना होगा? ये भी 14 cm ही होगा. ठीक है, सो एनी पॉइंट फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कल और सर्कल इज द रेडियस. नाउ मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल. तो अगर सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2πr/2. ठीक है, क्योंकि हाफ होता है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हुआ? πr, राइट. So this is 22/7 × 14, right? So 7 × 2 = 14, और ये आंसर कितना आया? 44 cm. तो ये जो कर्व है, ये जो आधा कर्व है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 44 cm है. बट नाउ बी केयरफुल, उन्होंने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा है, तो उसके अंदर ये जो दूसरी बाउंड्री है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑल्सो द बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल. तो मुझे 44 के अंदर 14 + 14, विच इज 28, भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस बिकम्स 72 cm इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 cm. सो दिस इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये जो शेडेड रीजन है, मुझे इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. ठीक है, तो अब मुझे सेमी सर्कल के लिए, देखो ये 4 parts में डिवाइड हो रहा है. सेमी सर्कल के लिए मैंने 2πr को डिवाइड किया था 2 से. अब इसमें पूरे सर्कल के का मुझे सिर्फ 1/4 बाउंड्री की लेंथ चाहिए. ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 कर देती हूँ. ठीक है, सो दिस विल बी 1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, राइट, × 22/7 × रेडियस. रेडियस कितना है? 7. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड ये आंसर कितना है? दिस इज 11 cm. सो ये जो इतनी लेंथ है, ये 11 cm की है, बट दैट इज नॉट ऑल, क्योंकि मुझे इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो दिस इज 7 एंड दिस इज 7, तो अब इस केस में क्या होगा? 11 + 14, सो माय आंसर इज इक्वल टू 25 cm ही आएगा, क्योंकि अभी हम बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ सर्कल. सो जैसे कि मैंने बताया था, एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है कि ये जो सर्कल है, इसको इस तरह से डिफरेंट ट्रायंगुलर पार्ट्स में कट कर दिया, एंड वी अरेंज्ड इट लाइक दिस. सारे व्हाइट पार्ट्स इस तरह से एंड ब्लू पार्ट्स इस तरह से. सो इसकी जो लेंथ है,
ठीक है, इट इज गोइंग टू बी पाई आर. अब ये जो पूरी होती है, पूरी लेंथ होती है, दैट इज 2πr, सर्कमफेरेंस 2πr होता है. अगर मैं सिर्फ ब्लू वाले रीजन्स की बात करती हूँ तो ये 2πr में से आधा रीजन है, मतलब 2πr में से आधा वाइट है आधा ब्लू है. तो सिर्फ ब्लू कितना हुआ, वो 2πr का हाफ हुआ, दैट इज πr, एंड बाकी का πr कितना हुआ, वाइट रीजन. ठीक है, तो ये हो जाती है मेरी लेंथ. ठीक है, एंड ब्रेथ कितना होगा, अब ये जो यहाँ से सेंट्रल पार्ट है, ये रेडियस है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, राइट, एंड ये मेरी हो जाती है ब्रेथ या हाइट. ठीक है, सो ये कितना बचा, लेंथ इज पाई आर, ब्रेथ इज आर, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल. सो डू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, इट इज पाई आर स्क्वायर, एंड इनका भी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, दैट वे. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितना है 2.8 × 2.8, राइट. सो इट्स अप टू यू, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, 22/7 × लेट्स डू इट 28/10, ठीक है, × 28/10, राइट. सो दिस वे भी यू कैन सॉल्व इट, और यू कैन सिंपली यू नो ईज आउट योर कैलकुलेशंस. जैसे कि ये पहले तो ये 7 × 4 = 28 हो जाएगा, राइट, एंड देन दिस इज 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, एंड आफ्टर दैट इज देर एनीथिंग, यस, 2 × 11, एंड दिस इज 2 × 5. तो मेरे पास क्या बचता है, 22 × 28/25. सो लेट्स सॉल्व इट, 616/25. सो योर आंसर इज समवॉट एज 24.64 cm². ठीक है, नहीं तो आप 28 × 28 करो. ठीक है, 28 का यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर, दैट इज 784. ठीक है, तो उसके बाद आप डेसिमल पुट कर दो, दिस इज 22/7 × 7.84. तो आप इसको कैलकुलेट करो, इंटू 22/7 इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, दैट इज 24.64 cm². ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये अगर सेंटर अप शेडेड रीजन क्या है, ब्लू रीजन इज द शेडेड रीजन. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना है, पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इनटू साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 22/7. अब रेडियस कितना होगा, ये पूरा का पूरा ये कितना है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर से लाइन पास हो रही है ऑपोजिट साइड्स पे. ठीक है, अगर ये पूरा 14 है तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 7 × 7 × 7, और साइड कितना हुआ, 6 × 6. सो लेट्स कैंसिल दिस आउट, दिस इज 22 × 7 इज गोइंग टू गिव यू 154 feet, फीट का स्क्वायर. ठीक है, या स्क्वायर फीट, माइनस 36. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 118 square feet. ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना है, 118. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ व्हाट डू वी से, ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑन द सर्कल. ठीक है, एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू एंड द फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू, राइट. सो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, विच हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड वेरी लेस कॉस्ट. यू कैन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड यूज द कोड SPGSS10. आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, ट्यूशन्स में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स और सारे चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. Top educators of India are going to be teaching you regular doubt solving sessions. Sara syllabus cover hoga, study material milega PDF ki form mein, practice test, live set, test series, everything is included in this. Notes provide kiye ja rahe hain aapko, theek hai, and iske prices bahut hi kam hain. Jaise ki for example, you can take any package, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18 months, is tarah se any package you can take. अगर हम 15 मंथ्स की बात करते हैं तो 18,000 है टोटल कॉस्ट, बट यू कैन ऑल्सो पे पर मंथ, एंड योर पर मंथ कॉस्ट इज गोइंग टू बी ओनली ₹1200, ₹1200 सारे सब्जेक्ट्स के लिए. ऑल्सो यू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% इफ यू यूज द कोड SPGSS10.
अगर हम आइकॉनिक की बात करें, इसमें प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ यू गेट अ पर्सनल मेंटर, मतलब एक टीचर, एक स्टूडेंट और सारा फोकस आप पे. यू गेट स्पेशल अटेंशन, यू गेट अ स्टडी प्लानर, यू गेट अ टाइम टेबल की किस तरह यू हैव टू स्टडी एंड यू कैन एस योर एग्जामिनेशंस, पेरेंट कनेक्ट, मेंटरशिप, वीकली रिपोर्ट, सो एवरीथिंग विल बी गिवन. सो इसमें क्योंकि प्लस के सारे फीचर्स भी हैं, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो हल्की सी कॉस्ट प्लस से ज़्यादा है, बट अगेन द पर मंथ कॉस्ट इज़ वेरी लेस. एंड अगेन वी हैव डिफरेंट पैकेजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 मंथ्स का लेते हो, यू हैव टू पे ओनली ₹1944 पर मंथ, दैट इज अंडर 2000 आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा होम ट्यूटर मिल रहा है, लाइक ऑनलाइन, बट ऑनलाइन, ओके. एंड यू ऑल्सो गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. So that's all for today. I hope you understood the chapter. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Don't forget to like, share, and subscribe to our channels. And let's crack it with an academy. Thank you so much.